बीजेपी के साथ तो हमारा लगभग जो है वो 40 साल का साथ है, और अटल जी और अडवाणी जी हैं। मैं मानता हूँ कि अटल जी के बारे में ये कह सकता हूँ, मैंने उनसे कहा है जब स्वस्थ थे कि आप बीजेपी नहीं लगते हो, बीजेपी नहीं है, आप लगते हो कांग्रेस ही हो। जो कांग्रेस का आदमी जो है वो जिस तरह से उसका काम करने का तरीका वैसे उनका था। और उनका सबसे प्रिय आदमी कौन था? बृजेश मिश्रा। वो किसका बेटा था? डीपी मिश्रा का बेटा था। वो तो खाटी का कांग्रेस ही था। और सबसे ज़्यादा बृजेश मिश्रा जो है वो सरकार के सारे चीज़ को वो करते थे। तो अडवाणी जी के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ज्योति बाबू मेरे यहाँ खाना खाने आए, खाना खाते खाते उन्होंने जो बात कही कि भाई मैं इस आदमी के बारे में जो सोचता था उससे बिल्कुल मेरी राय ने, मैं हैरान हूँ कि आदमी इतना बढ़िया आदमी है। एक दिन भी उन्होंने बंगाल की सरकार को किसी तरह की दिक्कत नहीं दी। ये ज्योति बाबू बहुत सीनियर आदमी थे, तो मैं अपने घर खाना खाने उनको बुलाया, तब वो ये बात बहुत सी बातें कही, लेकिन ये बात भी उन्होंने अडवाणी जी के बारे में कही। तो उनके साथ जो अनुभव था, फिर कुशाभाव ठाकरे, उसके उनके साथ बहुत बोलता लंबा समय बीता है। आपके सुदर्शन जी थे, वो मेरे सीनियर थे, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ उसके ही सीनियर थे सुदर्शन जी। और मेरे आते थे तो कड़ी खाते थे, वो कर्नाटक के थे वो, तो उनके साथ बहुत लंबा पीरियड है, उनमें बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे से रिश्ता था। आज जरूर मतलब यानी मुझको लगता है कि मुझे अंतर से आत्मविश्वास नहीं होता, क्योंकि अटल अडवाणी का जो बीजेपी था उसमें नेशनल एजेंडा था, प्रोग्राम था, और उन दोनों का जो है वो देश की जो परिस्थिति है, संविधान उसके दायरे में वो आ गए थे। आज तो कोई एजेंडा है नहीं, आज कोई एजेंडा भी नहीं है। और मुझे वो लगता है कि यानी फैसला करने वाले भी आजकल जो चर्चा में है, मैं अंदर तो कोई किसी से जो बात होती है उसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन दोनों आदमी जो हैं वही फैसला करते हैं। और कांग्रेस, कांग्रेस का मेरा नया नया साथ है, लेकिन मुझे 3 साल में कोई बात मैंने कही हो उससे वो परे गए हों, तो पॉलिटिकली जो है वो सरकार चलाने वो मैच्योर थे। हाँ, अपोजिशन में थोड़ा वो सरकार के तो वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन थोड़ा अपोजिशन में मैं देखता हूँ कि उनमें यानी कई बार जो वो जो बात जो जो जगह पहचना चाहिए उसमें बीजेपी के लोग ज़्यादा यानी मेरा अनुभव उनके साथ ज़्यादा है ना, जो जैसे मान लो यानी गेम होता है तो जो बॉल है उसको ले जाने में जैसे बीजेपी के साथ ज़्यादा आसान और सरल था, इनके साथ थोड़ी दिक्कत पड़ती है। सत्ता की पार्टी है ना सर? सत्ता की पार्टी नहीं, कितनी लंबी सत्ता की पार्टी है। तो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी में जो है वो हर आदमी मस्त है, वो कलेक्टिव जो है जैसे बीजेपी में विल टू पावर थी ऐसी इनमें अभी कमी है, लेकिन चिंतित वो बहुत है कांग्रेस पार्टी के लोग। सर जी, आप नीतीश जी को बहुत लंबे समय से जानते हैं, आपकी कौन सी वजह है होगी जो वापस चले गए इंडिया में? खैर, इस सवाल का जवाब जो है वो मेरे साथ बहुत लोग छोड़े हैं, तो हर आदमी के बारे में जो साथ रहा और जो वक्त साथ बीता है उसे याद रखना चाहिए। इस देश में यदि मान लो राजनीति में हो तो अपना पुराना जो पुराना साथ है, जो अच्छा वक्त है उसको याद रखो, जो खराब है उस पर आप भी मत चिंता करिए और हम तो चिंता करते ही नहीं। जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, मैं उनके ज़माने में आया हूँ, और मैं दलितों का मामला बहुत उठाता था। मुझे मधु जी ने, मधुले में और मधुसूदन भट्ट ने कहा कि सेंट्रल लिस्ट में है ये शेड्यूल कास्ट का मामला, तो मैंने 11 मामले उठाए थे। 9 मामले शाम के 6 बजे के पहले एक्शन हो जाता था, और मैं 3 बार उनसे मिला हूँ। और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर मैंने देखे, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग थे, लेकिन इंदिरा जी ने इस देश के भूगोल को बढ़ाया, दो पाकिस्तान के 2 हिस्से जिस चतुराई से किए हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार में, वो तो भी सेकंड, उनका जो यूपीए सेकंड है ना उसमें बिगाड़ बहुत हुआ है,
लेकिन गवर्नमेंट चलाने वो लोग इनसे बेटर थे, वो अनुभव उनको ज़्यादा था। ये जो है वो अपोजिशन के तो मास्टर थे, सरकार के भी मास्टर ये नहीं हो पाए। नहीं, विपक्ष के साथ कैसे डील करते हैं ये दोनों, क्या फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में? ये वो तो जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस का जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर होता था वो एक तरह से जैसे परिक्रमा करता था ना लुटियन जोन में, ऐसी परिक्रमा करता था। इनके पार्लियामेंट्री मिनिस्टर के कोई ने हमने तक दर्शन नहीं किए, दूसरे की छोड़ दीजिए। आनंद जी से नहीं भेंट हुई? मैं कह रहा हूँ कि कोई। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी का जो है, जैसे मान लो विद्याचरण शुक्ला थे, आपके आपके श्रीकांत जैना थे, मतलब यूनाइटेड फ्रंट में थे, और कांग्रेस में कई अब जैसे नबी जी थे, गुलाम नबी थे, यानी कई लोग थे उनके, याद मुझे नाम नहीं है, दास मुंशी, यानी ऐसा है ना कि वो खाने समय घुस जाते थे, आप किसी हालत में बाथरूम में तब भी वो घुस जाते थे। तो सरकार चलाना उनके संस्कार में था, और अपोजिशन का संस्कार जो था बीजेपी में था, लेकिन वो जो बीजेपी में जो अपोजिशन में बहुत लंबा अरसा है वो तो घर बैठे हैं सब, ये तो बिल्कुल दोनों नए आदमी हैं।